भाई सबको पता होता है विनीता, सबको पता होता है कि उसे क्या लाभ मिल रहा है, कहने से नहीं होता। हम कहेंगे हमने तुम्हें उज्ज्वला गैस दे दी, उत्तर प्रदेश चुनाव में जिस तरह से राशन बांटा गया था उसको कैसे पांच किलो, देखिए 5 किलो राशन तो हाथ में मिल रहा था ना, उससे वो रोटी खा रहे थे ना, कोविड के कारण मरे घूम रहे थे, ऐसे में 5 किलो अनाज मिल गया, उसे बेच के दारू ले आए, तो सारी चीजें हो गई ना, दारू भी हो गई, अनाज भी हो गया, खाने को भी हो गया, आप और क्या चाहिए। ठीक है चलो वोट डाल लो फिर देखेंगे। तो ये सारी चीजें हैं, इसको इस तरह से आप देखिए, ये कोई वो नहीं है कि इन्होंने कोई बहुत बड़ा कोई तीर मार दिया, कोई नया कर दिया, ये कमोबेश सारी है, सिस्टम कहीं पे किसी ढंग से होता है, कहीं किसी ढंग से होता है। तो मैनेजमेंट बेसिकली जनता अपने हिसाब से सोचती है, बहुत बार होता है आपके साथ खड़ा होता है आदमी, कहता है नहीं 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 वोट आप ही को देंगे, और उसके बाद डाल के कहीं और आ जाता है, तो वो मन में बनाए होता है, तो वो जानता है कि हाँ किसने क्या किया। तो आप एक चीज समझिए, दो चीजें, एक डर के कारण, एक नफरत के कारण। भारतीय जनता पार्टी की जीत की वजह सिर्फ सबसे बड़ी जो है वो ये है कि वो नफरत पे खेलते हैं, वो डर से जीतते हैं। आपको जो ममता बनर्जी, आपको याद होगा पश्चिम बंगाल चुनाव के समय शेरनी बनी घूम रही थी, आज लोमड़ी बनी घूम रही, तो आप ये समझिए आज ही उन्होंने कहा है क्या मैं पांव पकड़ के माफी मांगू, आज ही का बयान, आप समझिए जब ये कह रही हो तो आप समझ लीजिए उनकी स्थिति क्या। तो ये स्थिति है, तो इस डर की, डर से बाहर निकल, और ये भी तब जब वो एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, वही तो मैं कह रहा हूं, डर से बाहर निकलिए, नफरत से बाहर निकलिए, भारतीय जनता पार्टी कहीं नजर नहीं आई। लेकिन सर ऐसे में फिर अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं उस तरह से जवाब देते हैं जिस तरह ममता बनर्जी, मतलब अगर वो ये कह रही है। देखिए अरविंद केजरीवाल, मैं बार बार कहता हूं, मेरे पास में इसके तमाम सबूत मौजूद है, इसलिए कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल 100% आरएसएस की टीम है और वो आरएसएस के एजेंडे पर काम करते हैं। आप देखिए पश्चिम बंगाल, सॉरी यहां का चुनाव था हिमाचल का, बिल्कुल हिमाचल का 50% हिस्सा पंजाब से प्रभावित होता है, पंजाब का, यदि आप पंजाब का पंजाब का जो एक्ट था 1966 पुनर्गठन एक्ट, उस एक्ट को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा पंजाब का कैसे कैसे क्या हुआ था। तो वो आज भी वो लोग अपने को पंजाबी मानते हैं, पंजाबी कहते हैं, भले वो हिमाचली। उस इलाके में भी उनकी हिम्मत नहीं हुई कि चुनाव लड़े। आज पंजाब में आप देखिए जाके, आप कहीं पंजाब में चले जाइए, पंजाब के किसान गुजरात गए हुए हैं किसान मोर्चा के लोग, और वहां जाके प्रचार कर रहे हैं कि साहब इनको वोट मत दे देना, ये सबसे बड़े धोखेबाज हैं। तो आप अभी अभी डालिए उनके उसमें ट्विटर हैंडल पे, वो वीडियो मिल जाएगा, यहां से 1000 किसान गए हुए हैं ट्रैक्टरों में वहां पर कर रहे हैं, अपनी अपनी वहां के जो उनके काउंटर पार्ट है किसान मोर्चा के, उनके ट्रैक्टरों और उससे वो प्रचार कर रहे हैं और कह रहे हैं सबको दे देना, इसको मत देना, ये कितना बड़ा खेल है। तो आप इससे समझ सकते हैं। बिल्कुल सर, मुझे याद है सर, जब अन्ना आंदोलन चल रहा था मैंने कवर किया था कई दिन, मतलब पूरा अन्ना आंदोलन कवर किया था, अरविंद केजरीवाल का तिहाड़ जेल जाना एंड एवरीथिंग। तो मैंने देखा था जब सुबह सुबह 5:30 बजे हम वहां पे होते थे सुबह के वक्त में, तो जो चीज आपने कही कि आरएसएस की बी टीम होने का सबूत नहीं है, लेकिन उस वक्त मैंने देखा था कि मैं नाम ले सकती हूँ उन लोगों के, कुलदीप चहल जैसे नेता बीजेपी के, ये सब बहुत सारी भीड़ सुबह सुबह वहां लेकर आते थे, तो हम देख के थोड़ा सा ये सोच रहे थे कि ये कैसे, मतलब ये क्यों लेकर, बिल्कुल ये तो अन्ना आंदोलन है, ये बीजेपी के चेहरे क्यों दिख रहे हैं यहाँ, बिल्कुल यही मैं कह रहा हूँ। और ये एक पूरा खेल है, एक छद्म साजिश वाला विपक्ष खड़ा करके, विपक्षी चेहरा बना करके अपनी ही टीम को, आप देखिए जैसे ओबैसी की भूमिका है, आ गई पकड़ी गई अहमदाबाद में, वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ बैठ करके पूरी प्लानिंग कर रहे थे, उस प्लानिंग तो में ओबैसी, ओबैसी के ही बयान के बाद तो प्रधानमंत्री नरेंद्र, मतलब जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो वो नॉलेज में आए थे लोगों की कि भाई इनको कौशल्या वाला बयान आपको याद होगा,
जब ओवैसी ने दिया था और इन्होंने ओवैसी को कोट किया था नरेंद्र मोदी जी तब जी ओवैसी को तब ओवैसी तब एक बात बताइए हेट स्पीच का मामले में छोटे छोटे से बिचारे लोगों पे एफआईआर दर्ज हो जाती है जेल डाल दिया जाता है जमानत नहीं मिलती बेचारे जुबैर जैसे सच पेश करने वाले लोगों को और ओवैसी में क्या होता है इतनी कटु बोलने के बाद इतनी नफरती बातें बोलने के बाद क्या उन पे कोई कार्रवाई होती है क्या भाजपा उन पर अटैक तो हुए मैं फिर क्या कह रहा हूं वो प्लांट है आज तक बताइए कहीं खरोच आई है कभी आप ये सारे वो सारे पूरे सजे हुए एक बिल्कुल यूपी चुनाव में भी ओवैसी ने ये सब स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल सर बहुत मैं वही कह रहा हूं और फिर ये स्ट्रैटेजी पॉइंट परसेंट असर कर गई सीटों बिहार में जब चुनाव होता है तो तुरंत बसपा और वो एक हो जाते हैं मायावती से बगैर कभी मीटिंग हुए और उनका गठबंधन हो जाता है वहां जाकर के वो विपक्ष के कैंडिडेट को हराने का काम करते हैं यही है तो ये इस बात का सबूत है कि ये लोग किस तरीके से उस साजिश का हिस्सा हैं और उसमें करते हैं और उसके बूते इनकी राजनीति है और नरेंद्र मोदी की राजनीति फिर मैंने क्या कहा पूरी जो गुजरात मॉडल है अमित शाह और नरेंद्र मोदी का वो पूरे देश में प्रयोग किया जा रहा है जो प्रयोगशाला थी गुजरात कि नफरत से लोगों को भर दो और जो आवाज बन सकते हैं उन्हें डरा दो और उसके बाद अपनी बीटी में खड़ी कर दो वो दिखाओ कि हाँ यही है तो सर ये बी टीम अगर हम बोल रहे हैं जी। सर अगर हम ये बी टीम बोल रहे हैं तो हम इस बी टीम को कैसे देखेंगे अरविंद केजरीवाल नंबर वन कि वो किस तरह का वोट बैंक काटने का काम कर सकते हैं इनके लिए ओबीसी का तो समझ में आता है ठीक है अल्पसंख्यक वोट बैंक काट करके बीजेपी की बी टीम हो सकते हैं वो इस तरह से करके तो इसको आप किस तरह से देखते हैं कि क्या अलग अलग बड़े देश के वोट बैंक को काटने के लिए इस स्ट्रैटेजी के साथ ही बनाई गई क्योंकि देखिए इस बात को तो दरकिनार नहीं किया जा सकता कि बीजेपी एक लंबे वक्त तक सत्ता से दूर रही इस बीच में वो खाली तो बैठी नहीं है उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई है और वो स्ट्रैटेजी का नतीजा है मैं तो कह रहा हूं कि उनका ये मैनेजमेंट बेस्ट है इस बात से मैंने इनकार नहीं किया मैं इस बात को मान रहा हूं यही तो उनका देखिए कॉर्पोरेट में क्या होता टेंडर करने होते हैं कहा कि ठीक है चार टेंडर यहाँ उन्होंने कहा दो तीन कम से कम आ जाएं हम आपको कैसे कैसे मैनेज करेंगे करेंगे जो होता नहीं चार नहीं हम 10 कंपनियों से डला देते हैं 10 कंपनियां मैनेज की जाती हैं जो अपनी एक प्रकार से सेल कंपनियां होती हैं दूसरे तरीके से जैसे भी होते उसके बाद में सबसे टेंडर डला दिए हम ही ने रेट कोट किए हम ही ने सब किए और हमें जिस कंपनी को अपनी दिलाना है उस कंपनी को हमने हाई पे रख दिया उसके बाद में जो वो कंपनियां आई किसी को हमने टेक्निकल ग्राउंड पे किसी को दूसरे उस पे किसी उसके तो बाकी सब तो वहां निपट गए और फिर जब उनमें टोटल टेंडर खोला गया तो साहब सबसे हाई हम ही है यही तो खेल और ये कारपोरेट मॉडल है यही कारपोरेट मॉडल है और इसी मॉडल पर ये पूरे खेल होते हैं और वही नरेंद्र मोदी उसके माहिर है और कारपोरेट उनके लिए पूरी फील्डिंग सजाता है तो ये बिल्कुल एक अब देखिए आप आज वो वहां गए हुए हैं क्या नाम है G20 की मीटिंग के लिए जब वहां गए तो आप फोटो आज अखबार में छपी है आप देखिए जहां प्रधानमंत्री का उस पे रनवे पर विमान उतर रहा है वही लोग कुछ नाच रहे हैं एक बात बताइए प्रधानमंत्री का विमान जिस जगह उतरता है हमने आपने पत्रकारिता करी है पता है कितनी सिक्योरिटी होती है वहां अफसर भी नहीं जा सकते हैं दूसरे की छोड़ दीजिए जिनके नाम एसपीजी की लिस्ट में होते हैं सिर्फ वही जा सकते हैं नहीं पर सर ये कह सकते हैं ना ये तो नया नए नए ट्रेंड बना रहे हैं नए ट्रेंड तो अब लेकिन क्या दिखाया गया और मोदी जी पहुंचे तो स्वागत में वहां की जनता लुट पड़ी टूट पड़ी अब आप समझ लीजिए तो ये कॉर्पोरेट का जो इवेंट मॉडल है ये वो विज्ञापन मॉडल कॉर्पोरेट के इवेंट मॉडल के साथ कॉर्पोरेट के इवेंट मॉडल के साथ देश का कॉर्पोरेट कितना स्ट्रांग हो रहा है ये भी तो साथ साथ सवाल इसी चर्चा में मुझे लगता है कि नहीं बनता तो है सर नहीं नहीं विनीता इसमें एक चीज जान लीजिए पूरा कॉर्पोरेट नहीं हो रहा है इस देश का आप एक चीज ये बहुत बड़ा फिगर है और ये भारत सरकार के आंकड़े मेरे नहीं
इस देश के 1000 पूंजीपतियों के हाथ में पिछले 8 साल के भीतर इस देश का 57% एसेट चला गया। मतलब इस देश की 57% संपत्तियां सिर्फ 1000 लोगों के हाथ में चली गई, और जो ये एक समय में बहुत सारे लोगों के पास होती थी। हिंदू, आप ये 2014 का ही आंकड़ा देख लें तो 2014 में हिंदुस्तान के की 27% संपत्तियां जो यहां के 10,000 पूंजीपतियों के पास थी, और आज 1000 के पास 57%। आप इससे समझ सकते हैं कि कैसे लूट कुछ ही लोगों को कराई जा रही है, चुनिंदा लोगों। असल वो कुछ लोग उनकी मदद करेंगे ना गुजरात चुनाव जिताने में। यही कॉर्पोरेट मॉडल है, मुनाफे का मॉडल, और उस मुनाफे के बदले में उन्हें क्या दिया जाए। आप एक और चीज देखिए कि किस तरीके से जो बॉन्ड खरीदने वाले लोग, बॉन्ड खरीदने वाले लोगों को किस तरीके से, कैसे उनके कर्ज माफ कराए जाते। 100 रुपया कर्ज माफ कराया जाता है, क्या 10 ही रुपया तो तुम्हें देना है, 10 रुपया दो इधर माफ करो, तुम्हारा न गया न हमारा गया, हमें मिला तुम्हें फायदा हुआ, तुम भी लूटो हम भी लूटे। आपको उदाहरण देता, पीरामल ने एक संपत्ति खरीदी, उसे पहले दिवालिया घोषित किया गया, और उसे किसने, आप देखिए वो अंबानी से ही जुड़े हुए थे, और उसके बाद में अंबानी के समधी ने उसको खरीद लिया, और उसका जो दाम था वास्तविक दाम उससे सिर्फ 10% की कीमत पे खरीद लिया, 90% जो है हमारा लूट गया, बैंकों में हमारा पैसा है हमारा लूटता है, और बैंक की बुक को साफ करने के लिए क्या हो रहा है कि उसको पूरी तरीके से डेड मनी घोषित कर दिया जाता है। तो ये खेल चल रहा है, इस खेल को समझने वाली है, इस देश के अंदर लूट चल रही है, उस लूट को समझने वाली है, चंद लोगों को लुटवा के उनके पैसे से भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे अमीर पार्टी बन गई है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर, और लाइक करें Facebook पर, और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।